नाज़रीन, आज हम आपकी एक नौजवान क़यादत से मुलाकात करा रहे हैं जो बहुत ही स्मार्ट, खूबसूरत और मजहबी और समाजी लीडर हैं। वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। उनका नाम है राइट रेवरेंड बिशप इब्राहिम अज़ीम डैनियल, बिशप ऑफ गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च साहिवाल। तो हम नाज़रीन साहिवाल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पहुंच चुके हैं, और सुबह जब हम लाहौर से आए तो काफ़ी सर्दी थी। खुदावन ने हमारी रास्ते में, सफ़र में रहनुमाई की, मदद की, सहायता की। तो हम साहिवाल शहर में पहुंच चुके हैं जहां हम बिशप हाउस जाएंगे, जहां आज आपकी बातचीत होगी एक दिन आइज़ैक टीवी के साथ। और आज के जो हमारे खूबसूरत मेहमान हैं वो इब्राहिम डैनियल साहब हैं, जो बिशप ऑफ साहिवाल गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे साथ आइज़ैक टीवी की जो टीम है वो भी इस आज की जो हमारी ये रिकॉर्डिंग है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है एक दिन आइज़ैक टीवी के साथ, वो बड़ा ही ब्लेस होगा क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल है बिशप इब्राहिम डैनियल, बहुत हाई प्रोफाइल है। और खुदावंत का शुक्र है कि उनका इंटरफेथ में और एज रिलीजियस लीडर और सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ ये तमाम उनकी जो ज़िंदगी के अंदर खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए, आज हम उनसे सवाल करेंगे कि वो कैसे बिशप बने। गॉड ब्लेस आइज़ैक टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। थैंक्स गॉड, हम बिशप हाउस पहुंच चुके हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम बहुत खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं, हमने शुक्रगुजारी दी है, अभी हमने दुआ की है, और ये बिशप हाउस हमारा इंतज़ार हो रहा है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत, लाहौर में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आज की सारी जो हमारी ट्रैवलिंग है। हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के द नेम अबव ऑल नेम, जो सारे जहान का खालक और मालिक है। जब हम बिशप इब्राहिम अज़ीम डैनियल, चेयरमैन गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च बिशप हाउस साहिवाल पहुंचे, तो बिशप इब्राहिम अज़ीम डैनियल ने रेवरेंड पीटर इमरान और असिस्टेंट पास्टर आज़म जॉन के हमरा बिशप हाउस आने पर हमारा वेलकम किया। इसके बाद वो हमें बिशप हाउस में वाकया अपने दफ्तर ले गए, कुछ देर उनसे चंद अहम सवाल पूछे। इसके बाद हम बिशप इब्राहिम डैनियल के नहायत ही करीबी दोस्त मिस्टर तारक अब्बास कुरैशी DIG साहिवाल को मिलने उनके दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कुछ देर बातचीत भी की। इस वक्त हम ऑनरेबल राइट रेवरेंड बिशप इब्राहिम अज़ीम डैनियल साहब के हमरा अभी बिशप हाउस से टुवर्ड्स DIG ऑफिस जा रहे हैं। तो आगे का शेड्यूल ये बताएंगे कि आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक दिन आइज़ैक टीवी के साथ इनमें बहुत से स्किल्स हैं, खुदा ने इनको बहुत सी बरकत से मालामाल किया है। तो ये आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत आउटस्टैंडिंग जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, इनकी फ्रेंडशिप भी बहुत, आज इनसे हम सवालात भी करेंगे कि कैसे यहाँ तक ये पहुँचे। तो अभी ओवर टू बिशप साहब। थैंक यू वेरी मच पास्टर श्यामल कोकर साहब, और एक दिन आइज़ैक टीवी के साथ की टीम,
really thankful and thankful to Pastor Anwar Fazal sahab jinhone ye khoobsurat silsila ye segment shuru kiya aaj aapke aane ke liye khuda ka shukr hai for this beautiful day itne mein DIG Saiwal ऑफिस जाने वाला मेन गेट आ गया। हमारे लिए एक हैरानगी की बात ये थी कि अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारी और गाड़ी की चेकिंग तक ना की। पूछने पर मालूम हुआ कि ये मुलाकात और टाइम पहले से ही तयशुदा था। DIG साईवाल हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तमाम चर्चेज और मसीहा ने साईवाल डिवीजन उनको बड़ा प्यार करते हैं और ये भी बहुत प्यार करते हैं। हमारे तमाम सेरेमनीज में भी हमारे साथ शरीक होते हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं सैमुअल कोकर साहब आइजक टीवी से, एक दिन आइजक टीवी के इसके प्रोड्यूसर हैं। प्लीज़ तशरीफ रखें। DIG ऑफिस से फारग होकर हम एक मकामी होटल पहुंचे जहां पर क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जारी थी। चंद मिनट वहां क्याम करने के बाद वापस बिशप हाउस की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में साईवाल शहर के बारे में बिशप इब्राहिम डैनियल ने बहुत सारी मालूमात दी। इसके बाद वो हमें बिशप रोड पर वाकया अपनी जाती स्कूल बिल्डिंग का विज़िट करवाने के लिए ले गए, जो आजकल इन्होंने रेंट पर दे रखी हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स इनके वालद मोहतरम बिशप डॉक्टर विलियम अकराम डैनियल की आउटस्टैंडिंग रिलीजियस सर्विसेज की बदौलत आज भी कायम और दायम है। बिशप डॉक्टर विलियम अकराम डैनियल, इनका बेसिकली जो ताल्लुक पाकिस्तान की मशहूर मसीह गांव चक नंबर 135 टोंदाबाद से है। इस वक्त हम ऑनरेबल राइट रेवरेंड बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। बिशप, बहुत अच्छा लगा आपने हमें एक दिन आइजक टीवी के साथ, आज आप हमारे गेस्ट हैं। काफ़ी साईवाल की भी विज़िट की, बहुत ब्लेसिंग्स खुदा ने आपको दी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने ज़िंदगी में ये ड्रीम देखा था कि इतने यंग एज में इतनी बरकत, साईवाल में एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन जिसके आप बिशप हैं, क्या आप कभी बिशप बनेंगे? मेरे पैदा होने से पहले मेरे वालदैन ने मुझे खुदावंद की खिदमत के लिए मांगा था और हम 6 बहन भाई हैं। मुझे बड़ी 3 बहनें हैं, मुझे छोटी एक बहन है और छोटा एक भाई। मैं स्टूजाबाद में 1975 में मेरे वालद बिशप विलियम अकराम डैनियल और उनकी मिसेस मरियम अकराम डैनियल, मेरे दादा चौधरी डैनियल एक ज़िम्मेदार घराने से हमारा तल्लक है, और 3 बेटियों के बाद जैसा हमारे यहाँ पे कल्चर में होता है, जब बेटा मांगा जाता है तो वालदैन ने ये बात खुदावंद के सामने रखी कि खुदावंद अगर तुम्हें बेटा देगा तो हम उसको तेरी खिदमत के लिए देंगे। तो जब खुदावंद ने उनको बेटा दिया, मुझे बचपन ही से ये बात बताई गई थी कि मैंने खुदावंद की खिदमत करनी है, और खुदावंद के फजल से जब मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद इंटरमीडिएट किया, तो मैं FG बाइबल कॉलेज डॉक्टर लियाकत कैसर साहब, वहाँ पर सलीम सादिक साहब जो साबिक चेयरमैन हैं FGAK, फैसल डैनियल और बहुत से, हम क्लास फेलोज थे। तो खुदावंद का शुक्र है, एक दिन लियाकत कैसर साहब के साथ बात हो रही थी, वो फरमा रहे थे कि एक अच्छा सक्सेसफुल क्लास थी वो, जिसमें तकरीबन जितने भी लोग थे वो सब के सब खिदमत में एक अच्छी फलदार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो उसी दौरान मेरे वालिद क्योंकि काफ़ी बीमार हो गए थे और उनकी एज 49 थी जब 1996 में, आज से 25 साल पहले उनकी डेथ हुई। ही वॉज 49, 49 साल उनकी उम्र थी। तो क्वाइट यंग। मेरा ऑर्डिनेशन सेमिनरी के बाद 1996 में
यकम जनवरी 1996 को मेरा ऑर्डिनेशन शुरू हुआ था। तो इस साल यकम जनवरी को 2021 में मेरी खिदमत को जो पासवानी खिदमत है उसके 25 साल पूरे हो जाएंगे। एक पासवान की हैसियत से ज़िंदगी खुदावंद के साथ अहद था और मेरी बुलाहट की जो आयत थी वो ये थी कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। जब खुदावंद खुदा इज़्ज़त देता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तक आलम बाला से किसी को कुछ नहीं मिलता उसको कुछ नहीं मिल सकता, और जब आलम बाला से हुक्म हो जाता है तो फिर उसको वो मिलकर रहता है। तो खुदावंद के सामने हमेशा बड़ी वफादारी और दयानतदारी के साथ उस खिदमत को जो भी खुदावंद ने दी उसको पूरा किया, हमेशा खुदावंद के लिए बड़ा मानते रहे। और इसी चर्च में बहसीत पासवान, उससे पहले एज यूथ डायरेक्टर, और उससे पहले जो मेरी सबसे पहली खिदमत थी चर्च में वो एक क्वायर लीड करने के लिए जब मैं मैट्रिक का तालिबे इल्म था। और जिस भी खिदमत को चर्च इंतज़ाम ने, उस वक्त की इंतज़ामिया ने, उस वक्त के जो कायदीन हैं उन्होंने दिया, उसको तनदही के साथ पूरा किया। बिशप चर्च लीडरशिप में बिशप अकराम डैनियल साहब का बहुत बड़ा नाम है जी। ये ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से भी एक बड़े रिलीजियस लीडर रहे हैं जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसा प्लान किया था कि आप पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बिशप बनेंगे, इसमें क्या राज है? नहीं जी, मेरा शुरू से ही, क्योंकि मेरे वालदैन की भी यही ख्वाहिश थी और मैंने भी उस चीज़ को हमेशा अपने सामने रखा। मेरा ख्याल है कि जो खिदमत है, खुदावंद खुदा की खिदमत करना और उसका खादम होना, ये दुनिया में सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा इस्तेहकाम है। मैं किसी को भी गलत नहीं समझता, मेरे दोस्त पायलट्स भी हैं, मेरे ज़्यादातर जो कॉलेज फेलोज़ हैं अब वो बैंकिंग के शोभा से वाबस्ता हैं, मैनेजर्स हैं, AVP हैं, वाइस प्रेजिडेंट्स हैं, और हम मिलते हैं, खुदावंद उनको बरकत दे। लेकिन मेरा शुरू से यही ख्वाब था और यही सोच थी कि मैंने खिदमत करनी। बिशप हाउस में कितने स्टाफ मेंबर हैं आपके पास और कितने पास्टर्स हैं इधर? जी, इधर जो साहिवाल हेड ऑफिस है यहाँ पे तकरीबन टोटल स्टाफ जो है वो 17-18 लोग हैं जो बिशप हाउस में, जिसमें पादी साहब है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो दूसरा ऑफिस स्टाफ है वो है, और मुख्तलिफ़ तरह की खिदमत सर अंजाम, क्योंकि ये एक 24 आवर स्टेशन है। दिन और रात यहाँ पे हम कहते हैं कि जिसकी प्रेमिस ना हमारी अपनी छुट्टी है ना उनकी छुट्टी है, तो यहाँ पे काम 24 घंटे चलता रहता है। स्कूल सिस्टम्स को देखकर बड़ी खुशी हुई जी। बहुत स्कूल सिस्टम जो आपका आउटस्टैंडिंग है, आपके दो ब्रांचेस मैंने देखी हैं जो बहुत साहिवाल के अंदर, उसका मैंने अभी एक बच्चे का देखा है कि जिसने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है जी। तो ये सारी जो आपकी मिनिस्ट्री है, जो आपका चर्च है, ये सारा इसको लुक आफ्टर कर जी। ये मैं यहाँ पर वजाहत करता चलूँ कि ये जो स्कूल हैं ये हमारे मिशन के इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ये इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये टोटली कमर्शियल हैं, और इससे जो पैसा हमें आता है हम वो मिशन के लिए, चर्च के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो बजट्स हैं वो उससे चलते हैं। बाकी जो हमारे चर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं सेंट पॉल स्कूल के नाम से, उनमें क्रिश्चियन बच्चों के लिए एजुकेशन का इंतज़ाम है, उनको पढ़ाया जाता है, बहुत से बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करके, एक क्योंकि हमारा गांव स्टूजाबाद है, वहाँ पर जो स्कूल है इस वक्त पूरी दुनिया में स्टूजाबाद में सेंट पॉल के पढ़े हुए बच्चे वो अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके अलावा जब मेरे वालिद साहब वो अक्सर जिक्र किया करते थे और लोग उनसे बात करते, वो कहते कि अगर इन स्कूलों में से मैं एक भी विलियम इकराम डैनियल और पैदा करने में कामयाब हो जाता हूँ, कि एक और शख्स ऐसा लीडर आ जाता है जो ज़्यादा नहीं बस इतना काम कर दे, तो इन सारे कामों का पंजाबी में जैसे कहते हैं मुल पै जाएगा, ये वो सारी मेहनत जो है वो रंग ले आएगी। तो बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स इस वक्त हड़प्पा स्कूल है, स्टूजाबाद स्कूल है, वहाँ पर जो चर्च किताब है, ये जो हमारे स्कूल्स हैं इसमें ये एक एजुकेटर स्कूल है, ये सीख स्कूल है, ये बिल्डिंग रेंटेड आउट हैं, और इनकी इनकम से जो है वो मिशन के और चर्च के अखराजात जो हैं वो पूरे किए जाते हैं। सर बहुत स्टैंडिंग सब्सिडीज आपकी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है बेसिक नीड है जी जी। जब तक एजुकेशन नहीं होगा हमारा नाम मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा ना जी जी, मसीह अवाम तरक्की करेगी। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट आपके क्या अचीवमेंट्स हैं
लेवल पे और भी आपके बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जी, कौन कौन से अभी आप प्लान कर रहे हैं जी फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी? जी हम इस वक्त कुछ प्रोसेस में चीज़ें हैं जिसमें कल रात भी बिशप साहब आए थे, काफ़ी लेट यहाँ से गए। हमारी साहिबाल चर्च काउंसिल के जो एग्जेक्टिव कमेटी है, हमने 2020 में इस पर काम शुरू किया, लेकिन पेंडेमिक की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन रही हैं। अभी आप साथ ही थे जब फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी कॉल आ रही थी, सुबह मीटिंग है, तो होपफुली अगर मैं साहिबाल हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा, वरना हमारे चर्च एडमिनिस्ट्रेटर वो मेरी जगह पर जाएंगे। हम इस चीज़ पर साहिबाल में बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी दो क्रिश्चियन घर भी किसी गांव में हैं, वहां पर उनको इबादतगाह के लिए जो सरकारी जगह है वो दी जाए। हाँ, हमारे एक बहुत बड़ी सितम शरीफी है कि क्रिश्चियंस को इबादतगाह बनाने के लिए जहां पर वो थोड़ी तादाद में किसी गांव में, ज़्यादा अक्सरियत वाले गैर मसीही गांव में रहते हैं, वहां पर उनको इबादत के लिए जगह, यही प्रमोट कि जी आप अपने घर में सेन में बात करें, हम आपके साथ हैं, क्यों, ताकि वो अपनी अलग से इबादतगाह ना बनाए। तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ और कमिश्नर साहब के साथ, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, तो हम इस चीज़ को मूव किए कि 2021 में ज़िला साहिवाल की हद तक जहाँ कहीं भी दो तीन भी क्रिश्चियन घर हैं उनको इबादतगाह के लिए, मेरा इससे कोई ये मकसद नहीं है कि वहाँ पर लाजमी बैप्टिस्ट चर्चेस ही बने, अगर वो फैमिलीज वहाँ पर बैठी हो प्रेस्बिटेरियन है तो वहाँ पे प्रेस्बिटेरियन चर्च बनना चाहिए, अगर वो रोमन कैथलिक हैं तो रोमन कैथलिक चर्च वहाँ पे बनना चाहिए। बाज़ुकात लोग समझते हैं कि ये शायद अपने चर्च को बढ़ाने का एक तरीका है कि कम्युनिटी को आगे रख के अपने चर्च को प्रमोट करें, जो वहाँ पे मैथोडिस्ट चर्च के लोग हों उनके लिए मैथोडिस्ट चर्च वहाँ पे मंजूर हो, अगर कोई पेंटिकॉस्टल हैं तो वहाँ पे पेंटिकॉस्टल चर्च, हम उन फैमिलीज को उनके फेथ के मुताबिक, मकसद सिर्फ ये है कि उनके पास एक इबादतगाह के लिए जगह मौजूद हो। थैंक यू वेरी मच। दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था। बिशप साहब की फैमिली समेत मिसिस सारा डैनियल, बेटा विलियम अकराम डैनियल, चंद मेहमान और बिशप और स्टाफ के हमरा इकट्ठा खाना खाया। खाने में साहिवाल की मशहूर मटन कढ़ाई और बिशप हाउस की मशहूर चिकन बिरयानी, मटन कबाब, चिकन कोरमा और स्वीट डिश में गाजर का हलवा खूब शेर होकर खाया। We welcome you to Gospel Baptist Church Sahiwal. और आज हमारे साथ पादरी पाल साहब और एल्डर दिलबरजानी साहब, पादरी पीटर साहब, पादरी अजम जॉन साहब, और अभी हमारी थोड़ी देर पहले, जैसा कि आपको पता है कि साहिबाल चर्च काउंसिल की भी मीटिंग थी, और जैसा आरपीओ साहब भी बता रहे थे, यहाँ पे खुदावंद ने हमें तमाम चर्चेज को एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी यूनिटी की फ़िज़ा दी है, तो हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के अपने तमाम खादम भाइयों के लिए जो इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं। आज यहाँ पर हम आपको और आइज़क टीवी की टीम को वेलकम कहते हैं। एल्डर दिलबरजानी साहब प्रेस्बिटेरियन चर्च से तलब करते हैं और हमारी साहिबाल चर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं। पादरी इकबाल नशीद साहब हमारी साहिबाल चर्च काउंसिल की जो एग्जेक्टिव है उसको रबता कमेटी कहते हैं, ये उसको लीड करते हैं। पास्टर पीटर इमरान साहब जो कि गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च के जिस मिशन में आप खड़े हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और पादरी अजम जॉन साहब इस चर्च के मकामी पासवान हैं जिसको मैं हेल्प करता हूँ, और ये पासवानी खिदमत सारी वहाँ पे जो इलाका की है, जितने भी क्रीसियाई सेरेमनीज हैं उनको ये लीड करते हैं, और विजिटेशन वो सारे ये इनका ये इलाका के जहाज है। तो वी वेलकम यू, हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है। आप जो भी साहिबाल चर्च काउंसिल के जो हमारी बैनर क्रीसियाई का वाकर साहिबाल में एक मसावी सूरत हाल है।
अपनी अहलिया मिसिस सारा डैनियल और अपने बेटे विलियम इकराम डैनियल से मुलाकात करवाई। इसके बाद चंद मिनट बिशप डैनियल से खसूसी गुफ्तगू की। बिशप साहब, बहुत अच्छा लगा, आज साहिवाल में हम आपके मेहमान थे एक दिन आइजक टीवी के साथ और हमारी टीम, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत खुद बहुत खूबसूरत हैं, खुदा ने आपको बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी दी हो, इसी तरह आपकी जो फैमिली है ये भी बड़ी खूबसूरत है, ये भी खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है। आप अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे कि आपका बेटा क्या करता है और आपकी मिसेज का नाम वगैरह सारा आप मुझे इनका इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, मेरी मिसेज सारा डैनियल, हमारी मंगनी 1995 सितंबर 1995 में, उस वक्त हम स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट ही थी और हमारी मंगनी हुई और फिर 3 साल के बाद 1998 में हमारी शादी हुई। मेरे वालिद ने उनकी जब ज़िंदगी का आखिरी साल था तो हमारी मंगनी में मौजूद थे, शादी फिर उनकी डेथ की वजह से 3 साल का अरसा उसमें पड़ा, तो 1998 में हमारी शादी हुई और शादी के 8 साल के बाद खुदावन ने हमें विलियम दिया। तो इट्स अ वेरी प्रेशियस बेबी और हमारे लिए बहुत प्रेशियस बच्चा है। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 25th of December है, 25th December 2006। तो हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत नेमत और गिफ्ट के लिए। तो सारा मेरे साथ खिदमत में हम खिदमत है और हम सारी इस खिदमत को अपनी शादी के पहले दिनों से फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ आवर मैरिड लाइफ हम इसको कर रहे हैं, इकट्ठे इस खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं। बेटा हमारा 8th में पढ़ रहा है और ये ओ लेवल्स में आगे अभी जाने को है, तो प्रेज गॉड फॉर आवर लाइफ एंड फॉर द ब्लेसिंग्स ही हैज बेस्टोर्ड अपॉन अस। बड़ी मुझे खुशी की बात है कि आपके लेट फादर बिशप विलियम अकराम डैनियल साहब उनके नाम से आपने बेटे का नाम रखा है, दैट्स ग्रेट ब्लेसिंग। थैंक यू। हाँ बिशप साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से हुई और उसके बाद जो फर्दर आपने एजुकेशन हासिल की है कहाँ कहाँ से? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बाई बर्थ मेरी पैदाइश जो है वो तुलजाबाद की है, 135 सोलह, बहुत मशहूर। आई एम अ विलेजर, सन ऑफ द सॉइल, जिसको पंजाबी जुबान में पेंडू कहते हैं, हम गांव की पैदाइश है। मेरे वालिद साहब भी वो फरजंदे तुलजाबाद हैं और हम इस बात पर बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करते हैं कि हम गाँव से हैं और देहाती हैं। तो मेरे दादा जो हैं परदादा, वो 1912 में माइग्रेट होके यहाँ पर आए और फिर ज़मीनें अलाट हुई, जैसे मिशनरीज ने गांव को आबाद किया। तो 5 अप्रैल 1975 को मैं तुलजाबाद में पैदा हुआ और उसके बाद मेरी जो एजुकेशन है उसका स्टार्ट जो अर्ली एजुकेशन है हाफ मेरी जो अर्ली एजुकेशन है मेरी एजुकेशन सेंट पॉल्स राजकोट साहिवाल से स्टार्ट हुई और मैं यहाँ पर पढ़ता रहा। उसके बाद जब मेरे वालिद और हमारी पूरी फैमिली USA शिफ्ट हुई उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए, वो अपनी एजुकेशन के लिए गए, तो वहाँ से फिर हमने तमाम बहन भाई वहाँ पर थे। मेरी जो आधी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन है वो USA में हुई और फिर हम पाकिस्तान वापस आ गए, यहाँ पे हाई स्कूल सेंट पॉल हाई स्कूल से ही किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में आर्ट्स के साथ इंटरमीडिएट किया और उसके बाद पाकिस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट जो हमारा गॉस्पल मिशन पाकिस्तान का अपना बाइबल स्कूल था, वहाँ से बाइबल कॉलेज, वहाँ से मजहबी तालीम हासिल की और फिर कुछ अर्सा मैं FGA बाइबल कॉलेज लियाकत कैसर साहब जहाँ पे प्रिंसिपल है वहाँ पे उस सेमिनरी में मैं रहा। फिर आगे हमारे बैप्टिस्ट चर्च के जो विजन लाइफ है या वर्ड ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री उनके बहुत से कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में करता रहा। बेसिकली क्योंकि मैं एक एवेंजलिस्ट हूँ, एक मुबशरे अंजील हूँ, जो मेरी खिदमत है, बिशप होना ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी है, लेकिन जो मेरी बुलाहट है दैट इज़ टू बी विटनेस टू द क्राइस्ट, कॉलिंग जो है, जो मेरी कॉलिंग है, जो मेरी कॉल है दैट इज़ टू बी विटनेस टू द क्राइस्ट, तो मसीह के गवाह बन के ना सिर्फ मसीहों में बल्कि गैर मसीहों में भी खुदावन का शुक्र है कि खुदावन कसरत से इस्तेमाल कर। यूथ के लिए आप क्या खसूसी पैगाम देना चाहते हैं क्रिश्चियन यूथ के लिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि यूथ इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपनी बिजनेस स्किल्स को पढ़ाएं, अगर आप मुलाजमत करना चाहते हैं तो ज़रूर तालीम हासिल करें। मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा वालदैन वो तालीम पर अपना सब कुछ लगा देते हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चे आगे वो सब कुछ जो उनकी तालीम पर खर्च हो जाता है
वो अपनी ज़िंदगी में उसका सही रिटर्न नहीं पाते। तो आजकल बहुत ज़्यादा जब भी हम बैठते हैं चर्च हेड्स आपस में, तो हम इनक्रेज करते हैं कि हमारी यूथ जो है वो चाहे छोटे बिजनेस से शुरू करें, छोटे बिजनेस से शुरू करें, आप बहुत अच्छी तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके साथ सिर्फ एक मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे कम वक्त और उससे कम पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं, तो आप फाइनेंशियली अपने आप को, अपनी फैमिली को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो तालीम हासिल करें, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि मसीहियों में जो नौजवान हैं वो बिज़नेस की तरफ भी अपने आप को मायल करें। थैंक यू सो मच, पूरा होल डे हम आज आपके पास थे, आपके मेहमान थे, और हमें इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिली है, और आपकी जो अचीवमेंट्स और जो ब्लेसिंग्स है फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये हमें देखकर नहायत खुशी हुई है। खुदावंद आपको, आपकी डिनोमिनेशन को और आपकी फैमिली को बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। पूरा दिन चेयरमैन गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च साइवल के साथ गुजारने के बाद कुछ देर बिशप साहब और उनके साहबजादे विलियम अकरम डैनियल और बिशप हाउस स्टाफ मेम्बरान के साथ खूब क्रिकेट खेलकर लुत्फ़अंदोज़ हुए। शाम हो चुकी थी, बिशप इब्राहिम इकराम डैनियल ने हमें सी ऑफ किया।